मेरी फिल्म आने वाली थी 26-25 जनवरी को, और पद्मावती जी भी, पद्मावती फिल्म भी आने वाली थी। और आज मैं फिल्म फेयर की रिहर्सल कर रहा था, तो वहाँ संजय बंसाली साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहा कि मैं उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे मूव कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग सब एक ही फैमिली है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ही इज गॉन थ्रू अ लॉट, एंड मुझे काफ़ी पैसे लगे हुए हैं, स्टूडियो वालों के पैसे लगे हुए हैं, तो ये ऑल वन फैमिली है, हमारी इंडस्ट्री एक फैमिली है। कभी कभी हो जाता है, वैसे तो एक बड़ा दिन दो फिल्में ले सकता है, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा कि इनकी फिल्म सोलो आ जाए, क्योंकि there is a big thing on stage and they have gone through a lot. So I wish him a luck and good luck and बाकी सब अच्छा भैया। संजय साहब आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद मिले, अच्छी हो जाएगी ना। नो आप लोग सब जानते हैं कि हमें बहुत मुश्किल का सामना करके पड़ा है, रिलीज डेट हमने 25 मोबाइल तो आज उनके उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो शिफ्ट हो सके तो कि इतने बड़े स्टार हैं उनके सामने शायद हमारे लिए और बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर वो फिल्म शायद करें, और उनको सब हमारी जो मुश्किलें उनका मालूम है उनको पता है, वो दो मिनट के लिए लगे उन्होंने ये भी कहा कि जो तू चाहे जैसा चाहे मेरे साथ, and I think it's a very large mark to have to be able to exude so much goodness. I couldn't believe what I was hearing, and I think I will be grateful to him for a lifetime for what he's done. I think the industry, I think the world can understand that this is a place to be, because this is how we be with each other, stand by each other, respect each other, and I think the fraternity will be really proud of what Akshay's done, because it's a gesture which I think would otherwise seem quite impossible. So aur saath mein unhone ye bhi kaha hai ki ab Rowdy Rathod 2 banega. So that's that. So bas yahi aap logo ko bolna tha, and fir se maafi chahta hu ki thoda main late ho gaya. सर अयारी बिना बोले ही पोस्टपोन्ड हो गई सर। संजय वो बैठो, हां नीचे रखिए ना, सो दैट्स कंफर्म 97 यस दैट इज विद अयारी अगेन, दैट इज विद माय स्टूडियो एंड क्रियाज, दे बोथ हैव टेकन द डिसीजन दैट दे विल कम ऑन 9 एंड आई हैव रिक्वेस्टेड देम आल्सो, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि देयर इज नो पॉइंट I can completely understand that his need is more for this date than mine, so I will just go ahead and answer that. I'm very grateful to also my studio Sony and Riyaj for accepting the whole thing, because it really doesn't mean that you can do something at all. I think Sanjay, all of us should give a big hand.